पूनम यादव ने जो मतलब बेटी ने 8 विकेट लिए हैं, पहले तो अच्छा खेली रही थी, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, लेकिन बीच में थोड़ा सा इंजरी होने के कारण थोड़ा जी ब्रेक हुआ, तो ऐसा लगने लगा कि सही पता नहीं, हमें भी ऐसा हो रहा था कि कैसा खेलेगी, चिंता का विषय था। लेकिन उनकी टीम कैप्टन को पूरा भरोसा था पूनम के ऊपर, तो उन्होंने कहा नहीं, पूनम यादव अच्छा खेलेगी और वर्ल्ड कप में हमने खिलाना है, लेके जाना है। लेके गए, हौसला बनाए रखा, और जब मौका मिला तो लड़की ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। और हम ये तो नहीं कह सकते कि अकेली पूनम को ही जीत का श्रेय जाता है, वो तो सारा दुनिया देख रहा है क्या है, लेकिन सारी लड़कियां बहुत अच्छा खेल रही हैं। पर पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ एक वर्ल्ड कप से कम नहीं था, और उसमें जो पूनम ने विकेट लिए उससे बहुत बड़ा हौसला मिला, और तमाम लोगों को अब ये पहले ही मैच से भरोसा हो गया कि हमारी लड़कियां जो है वर्ल्ड कप जीतेंगी, लेके आएंगी। क्या बचपन से ही पूनम को क्रिकेट? देखिए, हम ये कहें स्पेसिफाई कि क्रिकेटर बनने का शौक़ था, ऐसा नहीं था, लेकिन इसको खेलने में बहुत इंटरेस्ट था। और इसका अपना ये था कि मैं लड़की हूँ तो क्या मैं लड़कों की तरह से करके नहीं दिखा सकती, मैं कहाँ लड़कों से कम हूँ, फ्रॉम द बिगनिंग उसके दिमाग में ये बात थी। और वो लड़कों की तरह से ही खेलना और मतलब बाकी एक्टिविटीज़ करना, तो सारे ही खेलों में वो इंटरेस्ट रखती थी, और खेलने में चूंकि इंटरेस्ट था इसको, इसलिए इसने ये स्टेडियम ज्वाइन किया। बाकी जैसे बास्केटबॉल है तो थोड़ी हाइट कम होने के कारण उसमें उसे उतना सक्सेस नहीं दिखा। जब स्टेडियम ज्वाइन किया तो वहाँ पर उस समय ये प्रीति डिमरी जी। और हेमलता काला, ये इंडिया खेल रही थी, बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, तो उसे ये जागरूकता मिली कि लड़कियाँ क्रिकेट भी खेलती हैं और क्रिकेट में भी हम हाथ आजमा सकते हैं। तो स्टेडियम खेलना शुरू किया, और जब खेलना शुरू किया तो उस समय अफगानी सर हुआ करते थे कोच, बहुत ही अनुभवी और सुलझे हुए कोच थे, तो उन्होंने काफ़ी इस लड़की को प्रोत्साहित किया, और इन लड़कियों का भी उनको साथ मिला, और वो हुनर देखने लगा लड़की के अंदर कि ये लड़की बहुत अच्छा खेलेगी। देखिए, ऐसा होता है, ये नेचुरल फिनोमेना है कि हम किसी काम को करते हैं तो कभी बहुत सफलता मिलती है और कभी कभी हमें उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती जितनी हम आशा रखते हैं। जैसा कि अभी वर्ल्ड कप में जो मैच चल रहा है, इन्हीं में आप देख रहे हैं, दो मैच जी बहुत अच्छे खेले, लेकिन तीसरे में लोगों का फोकस उसी पे हो गया कि ये कैसे क्या करती है, तो प्लेयर भी इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। ऐसे ही जब वो खेलना उसने शुरू किया तो बीच में एक दो बार उसको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, तो उससे वो हताश और निराश होने लगी, और उसने कहा कि पापा, अब मैं क्रिकेट खेलना छोड़ना चाहती हूँ। तो ऐसी क्या हमने चीज़ हुई कि फिर दोबारा? उस समय की बात ऐसी है कि एक होता है बच्चों के लिए हौसला, तो हम लोगों ने यानी पेरेंट्स ने, उनकी मम्मी ने, हमने ये पूरा उसको हौसला दिया। मैंने, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा उतने अच्छे यानी आउटपुट नहीं आती है, पर हिम्मत मत हारिए, हौसला रखिए, और तुम 100% कामयाबी हासिल करोगी, अपने आप पे भरोसा रखो, हमें भी तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम खेलिए इसको। वर्ल्ड कप में हम बेटी से ही नहीं, हम तमाम बेटियों से जो क्रिकेट खेल रही हैं, और उनसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि पिछली बार जो चूक हुई है, यानी सिर्फ एक कदम पीछे जो वर्ल्ड कप से रह गई थी, अब की बार वर्ल्ड कप इंडिया आएगा, हमें ये पूरा भरोसा है, अपनी सभी बेटियों पर नाज है और पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप हमारी बेटियां लेके आएंगी, बहुत अच्छा खेल रही हैं। गर्व गर्व